आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा शमूएल 17वां अध्याय वचन 1 से 14। फिर अहितोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशालोम और सब इसराइली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। फिर अबशालोम ने कहा, एरे की हुशे को भी बुला ला और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने। जब हुशे अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहितोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हुशे ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहितोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। फिर हुशे ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं और बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय वह किसी गढ़े या किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इनमें से पहले ही आक्रमण में कोई कोई मारे जाए तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे, अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी साहस टूट जाएगा। समस्त इसराइल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा है। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेर्शेबा तक रहने वाले समस्त इसराइली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं और तू आप ही युद्ध को जाए। इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वह मिले जा पकड़ेंगे तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब न तो वह बचेगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा। यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इसराइली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। तब अबशालोम और सब इसराइली पुरुषों ने कहा, एरे की हुशे की सम्मति अहितोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहितोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले।